हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कृष्ण मुरारी सिंह, आप सबका मेरे वेब 563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेक्वेरी के बारे में। जेक्वेरी क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या है? तो फ्रेंड्स, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। उसमें पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस बना दिए गए हैं, प्रीडिफाइंड है, हमें उसको यूज करना होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रीडिफाइंड फंक्शंस उसमें पहले से बने हुए हैं और जेक्वेरी लाइब्रेरी है, तो हमें जेक्वेरी की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। पहला काम, जेक्वेरी के फाइल को, जो लाइब्रेरी है, उसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो हम उसका CDN दे दें, CDN ऑनलाइन लिंक, या फिर हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करना उचित होगा, क्योंकि मान लीजिए वर्जन्स वगैरह चेंज होते हैं तो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जेक्वेरी को डाउनलोड करते हैं। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसकी कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की सुपरसेट है। HTTP एकदम जावास्क्रिप्ट की जैसे ही होती है। जेक्वेरी डाउनलोड, ये जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, jquery.com। इस पे हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए लिंक्स बने हुए हैं। एक है डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन जेक्वेरी 363, एक है डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड में डिफरेंस है दोस्तों। कंप्रेस्ड ये होता है कि इसकी कोड को कंप्रेस कर दिया गया है, मतलब लाइन बाय लाइन जो होती हैं, स्पेस वगैरह होती हैं, वो सब हटा दिया गया है। बट ये प्रोडक्शन है और ये डेवलपमेंट है और ये अनकंप्रेस्ड है। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कंप्रेस्ड डेवलपमेंट का तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट। ये देखिए, ये पहले क्या था कि क्लिक करने पर डाउनलोड जाती थी, अब जो है ये कोड ओपन कर दिया है। डाउनलोड का चलिए कोई बात नहीं, अगर ओपन कर देता है तो हम इस कोड को सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉपी कर लिया और अपने फोल्डर में एक पेज बना लेंगे। सॉरी, फोल्डर हो गया। jquery.js एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और इसे हम यहाँ ओपन कर लेंगे। और इसमें ये पूरी लाइब्रेरी जो हमने कॉपी किया था भी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए 10,989 लाइन का कोड आया हुआ है। ये स्पेस स्पेस वगैरह के और कंप्रेस्ड भी स्पेस वगैरह नहीं होते। अब हमारी लाइब्रेरी बन गई है, हम इसे कट कर देंगे और अपने पेज पे इसको लिंक करेंगे। इसे भी हम कट कर देते हैं। अब आइए यूज करते हैं। कैसे यूज करना है? सबसे पहले हम एक HTML पेज बनाएंगे जिस पे हमें यूज करना होता है। HTML मैं यहाँ पे कोई एलिबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी HTML की एक सीरीज पूरी बनी हुई है। तो अगर आप HTML में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HTML का हमारा ट्यूटोरियल देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। टाइटल jQuery ट्यूटोरियल, हम बना देंगे एक बॉडी। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए हमने एक बटन बना दिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम। हाइट, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया हाइट, और टाइप
सबमिट और यहाँ पे एक ब्रेक टैग डाल दिया हमने थोड़ा सा गैप होने के लिए। और फिर हमने एक डिप बना लिया यहाँ पे ताकि जिस पे हमें इफेक्ट दिखाना है जेक्वेरी का, और इस डिप में एक क्लास बना लिया कोई भी माई डिप। अब डिप तो ऐसे बनेगा नहीं, इसके लिए हमें सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, विदाउट सीएसएस तो चलता नहीं है। आइए इसका सीएसएस लिख लेते हैं हम लोग। क्लास है माई डिव। अब ये सीएसएस कैसे वर्क करेगा, इसके लिए आप अगर सीएसएस में कंफर्टेबल नहीं है या चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारे एचटीएमएल की प्लेलिस्ट और सीएसएस की प्लेलिस्ट पूरी सीरीज बनी हुई है, उसे आप एक बार देखें तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्लियर नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड। विड्थ कर देते हैं इसका, चलिए 100 पिक्सल कम हो जाएगा, 200 पिक्सल कर लेते हैं। हाइट भी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर एक डाल देते हैं जिसमें कि हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये चीजें हैं H B 22 22 2 मैरून कलर। आइए रन करा के देखते हैं क्या बना, ये बना। अब हम चाहते हैं कि अभी तो इस पर कुछ हो नहीं रहा है कि हम इस पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए जावास्क्रिप्ट से, तो कैसे करेंगे आइए उस पर काम करते हैं। हमने जेक्वेरी का लाइब्रेरी बना रखा है, पहले हम इसको लिंक करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन एसआरसी, एसआरसी मीन सोर्स jQuery.js, ये हमारा लिंक हो गया। अब एक स्क्रिप्ट और बनाए ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोग्राम कैसे। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के यूज करने के लिए लिंक करना था, हमने लिंक किया। लिंक करने के बाद हमें जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है अगर स्टार्ट हो तो ये कोड चले, अदरवाइज ना चले। तो कैसे करेंगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल करे इस तरह से। ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब रेडी हो तो फंक्शन चले। डॉलर इसमें जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल होता है, डॉलर जो है वो जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल होता है। डॉक्यूमेंट मींस ये डॉक्यूमेंट jQuery.js फाइल लाइब्रेरी, डॉट रेडी फंक्शन है, रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल करे। अब इस फंक्शन में क्या है, तो इस फंक्शन में जो रहेगा वो रन करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे डॉलर आइए बटन पे क्लिक पे हमें इस टीआईबी को हाइड करना है ना, तो यहां पे हम इसके लिए एक क्लास बना देते हैं, चाहे आईडी ले सकते हैं आप। चलिए बटन बना लेते हैं क्लास। तो जब क्लास है तो यहां पे हमें डॉट लगाना पड़ेगा, आईडी होता तो हैश लगाते हैं, कुछ नहीं होता तो टैग का नेम लिखते हैं। ये चीजें समझने के लिए आपको हमारे सीएसएस की ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो, अगर हैं तो सही है, अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी रिलेटेड वीडियोज का लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। बटन डॉट क्लिक, जब क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो। ये क्या कह रहा है, डॉलर jQuery का जो शॉर्ट सिंबल डॉट बटन, जब डॉट बटन वाले क्लास पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में क्या है भाई, इस फंक्शन में डॉट माई डिव, जिस डीआईबी को हाइड करना है उसका हम क्लास लिए हैं तो क्लास लिख देंगे,
डॉट हाइट फंक्शन होता है, हाइट लगा देंगे, हो गया। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर मतलब जैक्वेरी का शॉर्ट सिंबल, डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट, रेडी जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में क्या है भाई, तो इस फंक्शन में ये है, ये क्या है, तो डॉलर डॉट बटन, यानी जब बटन वाले क्लास पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल करे। इस फंक्शन में जो रहेगा वो परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, डॉलर जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल डॉट माई डिप, माई डिप वाले क्लास को आइटम को ये हाइट कर देगा। ये रन करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, ये हाइट कर दिया, अब बहुत फास्ट हाइट किया। तो थोड़ा सा अगर स्लो में करना है तो हम यहाँ टाइमिंग दे सकते हैं 3000, यहाँ मिली सेकेंड में समय लेता है, 3000 का मतलब होता है 3 सेकेंड। अब ये हाइट होने में थोड़ा टाइम लगेगा 3 सेकेंड का, ये देखिए अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमें हाइट तो हो गया, अब शो कराना हो कोई चीज़, तो जैसे पहले से हाइट है हमें शो कराना है तो कैसे करेंगे, आइए उसके लिए अगला फंक्शन। जेक्वेरी का मेन यूज करने का तरीका यही है, कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हाइट लगाए हैं हम लोग, यहाँ शो बटन, शो फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बटन और बनानी पड़ेगी ना शो के लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं शो, इसको btn शो कर लेते हैं, क्लास अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए अब इससे हाइड होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो शो होगा। अरे शो नहीं चला, ये शो इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने गलत डाल दिया, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। अब पहले हाइट करेंगे और फिर हम यहाँ से शो कर दिए, ये देखिए शो हो गया। ऑन ऑफ जैसे हुआ बनता है जावास्क्रिप्ट में, उस तरीके से ये जेक्वेरी का यूज करके बहुत ही आसानी से हाइट और शो हम लोग कर पाए। अच्छा अभी तो ये एक एंगल में जा रहा है ना, अगर हाइट कर रहे हैं तो हम ये हाइट है, हम चाह रहे हैं डायरेक्ट डाउन और अप हो, जैसे शटर दुकान की शटर होती है लोग नीचे खींच देते हैं बंद हो जाता है, ऊपर कर देते हैं ओपन हो जाता है, वो कैसे होता है ये उसको देखते हैं। उसके लिए होता है स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ऐसे ही 2-3 फंक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। स्लाइड अप और यहां पे हम यहां बटन पे ये क्लास डाल देंगे हम कॉपी करके और यहां पे लिख देंगे स्लाइड अप, इससे स्लाइड अप हो जाएगा। ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम हाइट शो पे क्लिक करते हैं चाहे हाइट पे क्लिक करते हैं, इन दोनों बटन के अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये एक एंगल पे हाइट और शो होता है, देखिए ये एक एंगल पे जा रहा है इधर कोने में, लेकिन जब अगर हम स्लाइड अप पे करते हैं तो ये सीधा अप में चला जाता है और हाइट हो जाता है, स्लाइड अप हुआ। इस तरह से एक फंक्शन और देख लेते हैं स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन सेम टू सेम, अप के जगह डाउन कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये जावास्क्रिप्ट के सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो जो फंक्शन के नेम या वर्ड या जो भी है उसे अगर कैपिटल लेटर में यूज किया गया है तो आप कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, अगर स्मॉल लेटर में यूज किया गया है तो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। अब जब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्लाइड डाउन
जो फंक्शन है स्लाइड अप में यू कैपिटल से है, दिस इज अ इफेक्ट ऑफ द केस सेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव जिस लैंग्वेज होती है तो उसमें ये होता है कि अगर आप कैपिटल लेटर में कोई चीज़ लिखे हैं तो उसे कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में लिखें। स्लाइड डाउन, यहां भी डी ओ डब्ल्यू एंड डाउन, ये अब पहले अप होगा और फिर इसे ये डाउन होगा, इस तरह से अप डाउन क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फेड इन फेड आउट, एक फेड इन फेड आउट होता है उसको भी देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 10,000 लाइन की कोड है, तो दो चार पाँच फंक्शंस तो होंगे नहीं इसमें, बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, सारे फंक्शंस बताना पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। फेड इन फेड आउट, ये फेड इन हो गया और इस तरह से फेड आउट भी बना देते हैं के साथ में ही। फेड आउट और यहां पे ये फंक्शन कॉपी किया, यहां क्लास लगा दिया हमने बटन का जिसपे हमें क्लिक करना है, फेड इन फेड इन, और फेड आउट के लिए भी मैं दोनों के साथ कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे। फेड आउट और यहां भी फेड आउट, फेड इन फेड आउट में ना तो अप में जाएगा ना तो हाइट को घेरल में जाएगा, जहां है वहीं से हाइड हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। जैसे होते हैं ना नारद भगवान, नारद जी क्या करते थे टीवी में आप देखे होंगे सीरियल्स में, दो लोग बात कर रहे हैं ना आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं, बीच में टपक जाते हैं, उनका काम ही होता है दो लोगों के बीच में टांग अड़ाना। दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई कराना हो तो नारद भगवान को याद कर लो, आप सीरियल में देखे होंगे दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में वाकई खड़े हो जाएंगे, अब किधर से आए कुछ पता नहीं चला, अब फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। तो उनके अंदर फेड इन फेड आउट जेक्वेरी का फंक्शन इंस्टॉल होता है, वो उसके थ्रू इधर उधर जाते हैं। ये देखिए फेड आउट किया मैंने, गायब, अंतर्ध्यान हो गया वहीं जगह से नारद भगवान की तरह, और फेड इन करेंगे तो फिर आ भी जाएगा वहीं पर, ना आते दिखता ना जाते दिखता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था जेक्वेरी के हमारे कुछ फंक्शंस, लगभग 5-6 फंक्शंस हम लोग देख लिए, इसमें और भी फंक्शंस हैं, आप सब प्रैक्टिस करिएगा उसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये लाइब्रेरी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यूज करने का तरीका। सबसे पहले जेक्वेरी में, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है जो टाइप स्क्रिप्ट पर डिजाइन किया गया है, टाइप स्क्रिप्ट में उसे कोड लिखते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की एक सुपरसेट है। जेक्वेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट से लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में इसे एक पेज बना के रखना पड़ेगा, फिर जिस पेज पे हमें यूज करना है उस पेज पे हम इसकी लिंक दे देंगे SRC स्क्रिप्ट टैग के अंदर, फिर SRC सोर्स करके। ये चीज़ मैंने जावास्क्रिप्ट की अदर वीडियोज में बना रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ, बता रखा हूँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर आपको अगर किस कहीं इसका इफेक्ट लगाना है जेक्वेरी का, चाहे कहीं कुछ फंक्शनलिटीज यूज करनी है, तो उसके भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल तौर पे था आपको सीखने के लिए कि जेक्वेरी कैसे यूज करते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है जेक्वेरी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, आई होप कि आप सब इससे आपका आइडिया होगी कि जेक्वेरी कैसे यूज करते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा कि जेक्वेरी यूज करना आप सीख गए और कैसे कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीड होगी और वीडियोज़ की जेक्वेरी की, तो हम और भी आगे बनाते रहेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा, फ्रेंड्स आप लोग लाइक कर जरूर करिए वीडियो को देखिए तो, क्योंकि लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, इससे हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं और टॉपिक्स पर बनाते हैं। और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और सीख पाएँ कुछ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं कृष्ण मुरारी सिंह।
आप सबका मेरे वाई 563 चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेक्वेरी के बारे में। जेक्वेरी क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या है? तो फ्रेंड्स, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। उसमें पहले से ही बहुत सारे फंक्शंस बना दिए गए हैं, प्रीडिफाइंड है, हमें उसको यूज करना होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर प्रीडिफाइंड फंक्शंस उसमें पहले से बने हुए हैं और जेक्वेरी लाइब्रेरी है, तो हमें जेक्वेरी की फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। पहला काम, जेक्वेरी के फाइल को, जो लाइब्रेरी है, उसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो हम उसका सीडीएन दे दें, सीडीएन ऑनलाइन लिंक, या फिर हम डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करना उचित होगा, क्योंकि मान लीजिए वर्जन्स वगैरह चेंज होते हैं तो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जेक्वेरी को डाउनलोड करते हैं। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो टाइप स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इसकी कोड टाइप स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की सुपरसेट है। एचटीटीपी एकदम जावास्क्रिप्ट की जैसे ही होती है। जेक्वेरी डाउनलोड, ये जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट है, jquery.com। इस पे हम जाते हैं और यहां पे देखिए लिंक्स बने हुए हैं। एक है डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन जेक्वेरी 363। एक है डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड में डिफरेंस है दोस्तों। कंप्रेस्ड ये होता है कि इसकी कोड को कंप्रेस कर दिया गया है, मतलब लाइन बाय लाइन जो होती हैं, स्पेस वगैरह होती हैं, वो सब हटा दिया गया है। बट ये प्रोडक्शन है और ये डेवलपमेंट है और ये अनकंप्रेस्ड है। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कंप्रेस्ड डेवलपमेंट का तो आ ही नहीं रहा है कहीं पर, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अनकंप्रेस्ड डेवलपमेंट। ये देखिए, ये पहले क्या था कि क्लिक करने पर डाउनलोड जाती थी, अब जो है ये कोड ओपन कर दिया है। डाउनलोड का चलिए कोई बात नहीं, अगर ओपन कर देता है तो हम इस कोड को सेलेक्ट ऑल करेंगे और कॉपी कर लेंगे। इस तरह से हमने कॉपी कर लिया और अपने फोल्डर में एक पेज बना लेंगे। सॉरी, फोल्डर हो गया। जेक्वेरी डॉट जेएस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और इसे हम यहां ओपन कर लेंगे और इसमें ये पूरी लाइब्रेरी जो हमने कॉपी किया था भी पेस्ट कर देंगे। ये देखिए 10,989 लाइन का कोड आया हुआ है। ये स्पेस स्पेस वगैरह के और कंप्रेस्ड भी स्पेस वगैरह नहीं होते। अब हमारी लाइब्रेरी बन गई है, हम इसे कट कर देंगे और अपने पेज पे इसको लिंक करेंगे। इसे भी हम कट कर देते हैं। अब आइए यूज करते हैं, कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम एक एचटीएमएल पेज बनाएंगे जिस पे हमें यूज करना होता है। HTML मैं यहाँ पे कोई लिबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी HTML की एक सीरीज पूरी बनी हुई है। तो अगर आप HTML में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप HTML का हमारा ट्यूटोरियल देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। टाइटल जेक्वेरी ट्यूटोरियल, हम बना देंगे एक बॉडी अब इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमें, हमने एक बटन बना दिया है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम। हाइट, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया हाइट, और टाइप सबमिट
और यहाँ पे एक ब्रेक टैग डाल दिया हमने थोड़ा सा गैप होने के लिए। और फिर हमने एक डिप बना लिया यहाँ पे ताकि जिस पे हमें इफेक्ट दिखाना है जेक्वेरी का, और इस डिप में क्लास बना लिया कोई भी माई डिप। अब डिप तो ऐसे बनेगा नहीं, इसके लिए हमें सीएसएस की जरूरत पड़ेगी, विदाउट सीएसएस तो चलता नहीं है। आइए इसका सीएसएस लिख लेते हैं हम लोग। क्लास है माई डिव। अब ये सीएसएस कैसे वर्क करेगा इसके लिए, आप अगर सीएसएस में कंफर्टेबल नहीं है या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारे एचटीएमएल की प्लेलिस्ट और सीएसएस की प्लेलिस्ट पूरी सीरीज बनी हुई है, उसे आप एक बार देखें तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्लियर नहीं है तो, अगर है तो वेल एंड गुड। विड्थ कर देते हैं इसका, चलिए 100 पिक्सल कम हो जाएगा, 200 पिक्सल कर लेते हैं। हाइट भी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर एक डाल देते हैं जिसमें कि हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये चीज़ें हैं HB2222 मैरून कलर। आइए रन करा के देखते हैं क्या बना, ये बना। अब हम चाहते हैं कि अभी तो इस पर कुछ हो नहीं रहा है, कि हम इस पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए जावास्क्रिप्ट से, तो कैसे करेंगे आइए उस पर काम करते हैं। हमने जेक्वेरी का लाइब्रेरी बना रखा है, पहले हम इसको लिंक करेंगे। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन एसआरसी, एसआरसी मीन सोर्स, जेक्वेरी डॉट जेएस, ये हमारा लिंक हो गया। अब एक स्क्रिप्ट और बनाए ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोग्राम कैसे। सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के यूज करने के लिए लिंक करना था, हमने लिंक किया। लिंक करने के बाद हमें जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है अगर स्टार्ट हो तो ये कोड चले, अदरवाइज ना चले। तो कैसे करेंगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल करे इस तरह से। ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड होता है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब रेडी हो तो फंक्शन चले। डॉलर इसमें जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल होता है, डॉलर जो है वो जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल होता है। डॉक्यूमेंट मींस ये डॉक्यूमेंट जेक्वेरी डॉट जेएस फाइल, लाइब्रेरी डॉट रेडी फंक्शन है, रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल करें। अब इस फंक्शन में क्या है, तो इस फंक्शन में जो रहेगा वो रन करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे डॉलर आइए बटन पे क्लिक पे हमें इस टीआईबी को हाइड करना है ना, तो यहां पे हम इसके लिए क्लास बना देते हैं, चाहे आईडी ले सकते हैं आप। चलिए बटन बना लेते हैं क्लास। तो जब क्लास है तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना पड़ेगा, आईडी होता तो हैश लगाते हैं, कुछ नहीं होता तो टैग का नेम लिखते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए आपको हमारे जावा सॉरी सीएसएस की ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो। अगर हैं तो सही है, अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। बटन डॉट क्लिक, जब क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो। ये क्या कह रहा है, डॉलर जेक्वेरी का जो शॉर्ट सिंबल डॉट बटन, जब डॉट बटन वाले क्लास पे क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में क्या है भाई, इस फंक्शन में डॉट माई डिव, जिस डीआईबी को हाइड करना है उसका हम हाइड क्लास लिए हैं तो क्लास लिख देंगे, डॉट हाइड फंक्शन होता है, हाइड लगा देंगे, हो गया।
डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉलर मतलब चेक क्वेरी का शॉर्ट सिंबल, डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट, रेडी जब रेडी हो तो ये फंक्शन कॉल हो। इस फंक्शन में क्या है भाई, तो इस फंक्शन में ये है, ये क्या है, तो डॉलर डॉट बटन, यानी जब बटन वाले क्लास पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल करे। इस फंक्शन में जो रहेगा वो परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, डॉलर जेक्वेरी का शॉर्ट सिंबल डॉट माई डिब, माई डिब वाले क्लास को आइटम को ये हाइड कर देगा। ये रन करके देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है, ये हाइड कर दिया, अब बहुत फास्ट हाइड किया। तो थोड़ा सा अगर स्लो में करना है तो हम यहाँ टाइमिंग दे सकते हैं 3000, या मिली सेकेंड में समय लेता है, 3000 का मतलब होता है 3 सेकेंड। अब ये हाइड होने में थोड़ा टाइम लगेगा 3 सेकेंड का, ये देखिए। अब ये तो हो गया, अब मान लीजिए हमें हाइड तो हो गया, अब शो कराना हो कोई चीज, तो जैसे पहले से हाइड है हमें शो कराना है तो कैसे करेंगे, आइए उसके लिए अगला फंक्शन। जेक्वेरी का मेन यूज करने का तरीका यही है, कुछ फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। यहां हाइट लगाए हैं हम लोग, यहां शो बटन, शो फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब यहां पे हमें एक बटन और बनानी पड़ेगी ना शो के लिए, चलिए यहां लिख देते हैं शो, इसको btn शो कर लेते हैं, क्लास अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, अब इससे हाइड होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो शो होगा। अरे शो नहीं चला, ये शो इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने गलत डाल दिया, यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। अब पहले हाइड करेंगे और फिर हम यहाँ से शो कर दिए, ये देखिए शो हो गया। ऑन ऑफ जैसे हुआ बनता है जावास्क्रिप्ट में, उस तरीके से ये जेक्वेरी का यूज करके बहुत ही आसानी से हाइड और शो हम लोग कर पाए। अच्छा अभी तो ये एक एंगल में जा रहा है ना, अगर हाइट कर रहे हैं तो हम ये हाइट, हम चाह रहे हैं डायरेक्ट डाउन और अप हो, जैसे शटर दुकान की शटर होती है, लोग नीचे खींच देते हैं बंद हो जाता है, ऊपर कर देते हैं ओपन हो जाता है, वो कैसे होता है ये उसको देखते हैं। उसके लिए होता है स्लाइड अप स्लाइड डाउन, ऐसे ही दो तीन फंक्शन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। स्लाइड अप और यहां पे हम यहां बटन पे ये क्लास डाल देंगे हम कॉपी करके, और यहां पे लिख देंगे स्लाइड अप, इससे स्लाइड अप हो जाएगा। ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम हाइट शो पे क्लिक करते हैं चाहे हाइट पे क्लिक करते हैं, इन दोनों बटन के अगर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये एक एंगल पे हाइड और शो होता है। देखिए एक एंगल पे जा रहा है इधर कोने में, लेकिन जब अगर हम स्लाइड अप पे करते हैं तो ये सीधा अप में चला जाता है और हाइड हो जाता है, स्लाइड अप हुआ। इस तरह से एक फंक्शन और देख लेते हैं स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन सेम टू सेम, अप की जगह डाउन कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि ये जावास्क्रिप्ट के सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो जो फंक्शन के नेम या वर्ड या जो भी है उसे अगर कैपिटल लेटर में यूज किया गया है तो आप कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, अगर स्मॉल लेटर में यूज किया गया है तो स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। अब जब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्लाइड डाउन जो फंक्शन है स्लाइड अप में यू कैपिटल से है, दिस इज अ इफेक्ट ऑफ द केस सेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव
जिस लैंग्वेज होती है तो उसमें ये होता है कि अगर आप कैपिटल लेटर में कोई चीज़ लिखे हैं तो उसे कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखे हैं तो स्मॉल में लिखें। स्लाइड डाउन, यहां भी डी ओ डब्ल्यू एंड डाउन, ये अब पहले अप होगा और फिर इसे ये डाउन होगा, इस तरह से अप डाउन क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फेड इन फेड आउट, एक फेड इन फेड आउट होता है उसको भी देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 10,000 लाइन की कोड है, तो दो चार पांच फंक्शंस तो होंगे नहीं इसमें, बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ फंक्शन हम लोग एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, सारे फंक्शंस बताना पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फेड इन फेड आउट, ये फेड इन हो गया और इस तरह से फेड आउट भी बना देते हैं के साथ में ही, फेड आउट और यहां पे ये फंक्शन कॉपी किया, यहां क्लास लगा दिया हमने बटन का जिसपे हमें क्लिक करना है, फेड इन फेड आउट, और फेड आउट के लिए भी मैं दोनों के साथ कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे। फेड आउट और यहां भी फेड आउट, फेड इन फेड आउट में ना तो अप में जाएगा ना तो हाइट को घेरल में जाएगा, जहां है वहीं से हाइड हो जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। जैसे होते हैं ना नारद भगवान, नारद जी क्या करते थे टीवी में आप देखे होंगे सीरियल्स में, दो लोग बात कर रहे हैं, ना आते दिखते हैं ना जाते दिखते हैं, बीच में टपक जाते हैं, उनका काम ही होता है दो लोगों के बीच में टांग अड़ाना। दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई कराना हो तो नारद भगवान को याद कर लो, आप सीरियल में देखे होंगे दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में वाकई खड़े हो जाएंगे, अब किधर से आए कुछ पता नहीं चला, अब फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। तो उनके अंदर फेड इन फेड आउट जेक्वेरी का फंक्शन इंस्टॉल होता है, वो उसके थ्रू इधर उधर जाते हैं। ये देखिए फेड आउट किया मैंने, गायब, अंतर ध्यान हो गया वहीं जगह से नारद भगवान की तरह, और फेड इन करेंगे तो फिर आ भी जाएगा वहीं पे, ना आते दिखता ना जाते दिखता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था जेक्वेरी के हमारे कुछ फंक्शंस, लगभग 5-6 फंक्शंस हम लोग देख लिए, इसमें और भी फंक्शंस हैं, आप सब प्रैक्टिस करिएगा उसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये लाइब्रेरी है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यूज करने का तरीका। सबसे पहले जेक्वेरी में, जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है जो टाइपस्क्रिप्ट पर डिजाइन किया गया है, टाइपस्क्रिप्ट में उसकी कोड लिखते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की एक सुपरसेट है। जेक्वेरी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट से लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में इसे एक पेज बना के रखना पड़ेगा, फिर जिस पेज पे हमें यूज करना है उस पेज पे हम इसकी लिंक दे देंगे SRC स्क्रिप्ट टैग के अंदर, फिर SRC सोर्स करके। ये चीज़ मैंने जावास्क्रिप्ट की प्ले अदर वीडियोज में बना रखा हूँ, पढ़ा रखा हूँ, बता रखा हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। फिर आपको अगर किस कहीं इसका इफेक्ट लगाना है जेक्वेरी का, चाहे कहीं कुछ फंक्शनलिटीज यूज करनी है, तो उसके भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल तौर पे था आपको सीखने के लिए कि जेक्वेरी कैसे यूज करते हैं, बाकी इसमें बहुत सारी फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है जेक्वेरी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, आई होप कि आप सब इससे आपका आइडिया होगी कि जेक्वेरी कैसे यूज करते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा कि जेक्वेरी यूज करना आप सीख गए और कैसे कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीड होगी और वीडियोज की जेक्वेरी की, तो हम और भी आगे बनाते रहेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा फ्रेंड्स, आप लोग लाइक कर जरूर करिए वीडियो को देखिए, तो क्योंकि लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, इससे हम और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते हैं और टॉपिक्स पर बनाते हैं। और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और सीख पाएँ कुछ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।